एक और रेसिपी लेके आया मैं आपके लिए दोस्तों, सिंपल और आसान तरीके से। तो मैंने 100 ग्राम पनीर ले लिया और पनीर को अच्छे से हम कद्दूकस कर लेंगे। देखिए, अच्छे से ग्रेट कर लेंगे पनीर को। उसके बाद हम पनीर को साइड में रख के एक कढ़ाई गर्म कर लेता हूँ और कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूंगा 3 से 4 चम्मच तेल। और तेल गर्म होने के बाद इसके अंदर बटर ऐड कर देंगे और मैं 1/4 चम्मच इसके अंदर जीरा डाल के जीरे को चटका लेने के बाद इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ प्याज। एक मीडियम साइज का प्याज लिया मैंने, बारीक चॉप करा हुआ। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, हल्का हल्का सा जब इस तरह से प्याज में कलर आएगा इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे 2 से 3 और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छे से भून लेंगे। देखिए, इसको भूनते हुए मुझे लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 से 1.5 मिनट हो गया, अच्छा सा कलर आ गया है। बस इसी पॉइंट पे इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। 2 टमाटर मैंने लिए मीडियम साइज के और उसके ऊपर नमक डाल के अब टमाटर को अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। जब टमाटर अच्छे से नरम हो जाएंगे तो इसके अंदर 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल के अच्छे से भून लेंगे। इसको कुछ सेकंड के लिए भून लेने के बाद इसके अंदर 1-2 चम्मच पानी डाल के फिर से इसे भून लेंगे। जब अच्छे से हमारा मसाला तेल छोड़ देगा तो बस इसी पॉइंट पे इसके अंदर हम ग्रेट पनीर डाल देंगे। सारा पनीर डाल लेने के बाद अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम कुछ देर के लिए इसे पका लेंगे। जब अच्छे से हमारा पनीर पक जाएगा तो इसके अंदर गैस की फ्लेम बंद करके हरा धनिया और बटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। दोस्तों, मेरे पनीर की भुर्जी बनके तैयार है, या वेज भुर्जी भी आप बोल सकते हैं, सिंपल और आसान तरीके से। मेरे वीडियो पसंद आया दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक करें।